ये विश्व गुरु एजुकेशनल एकेडमी, इसका कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजन किया गया है हिल्टन गार्डन होटल में, और बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के कई ऐप्स और इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ला रही है एजुकेशन सिस्टम में, हमारे शिक्षा प्रणाली में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज एक नया ये एक उत्सव की तरह इन्होंने मनाया कि जहाँ पे इन्होंने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्लास, मतलब 3 साल के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चों के लिए एक तैयारी इन्होंने की है ताकि एजुकेशन को ज़्यादा अडेप्टेबल बना सके। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रूरल अगर एजुकेशन में भी इसी प्रकार का जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है ये अगर वहाँ तक पहुँच पाती है तो आगे आने वाली जो समय है उसमें हम वाकई शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे। ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब बायजूस और विश्वगुरु और इस प्रकार के सब सिस्टम्स को थोड़ा सा अपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को बाहर रखते हुए जब ये आगे बढ़ेंगे और ये बदलाव लाएंगे, जहाँ पे रूरल एजुकेशन जहाँ पे अर्बन एजुकेशन के थोड़ा आसपास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग रूरल से छोड़ कर अर्बन तक आते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लोगों को गाँव तक में ही शिक्षा की प्राप्ति जो होगी वो आसानी से हो पाएगी, एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि होगी। तो आशा करते हैं विश्व गुरु एजुकेशनल एकेडमी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से तरक्की करेगा और ये हमारे देश के बदलाव में एक एक, एक अग्रसर होगा, बहुत अच्छे से ये एक लीडरशिप में रोल में दिखाई देगा। Let me wish you all a very good morning and also congratulate the founder and co-founder of Vishguru Educational Academy for hosting this function here today, which I think should be a landmark as far as education is concerned. मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जो founder साहब ने कहा, पांडे जी ने अपने बात पे सामने बात रखते उन्होंने ये बात कही कि हम लोग affordable तरीके से technology को ले जाएंगे बच्चों तक, स्कूल्स तक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक, सो दैट उनको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है मिल सके। आई थिंक नथिंग कैन बी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टुडे फॉर आर कंट्री देन एजुकेशन, दिस इज माय फर्म बिलीफ। इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। अगर हमको अपने देश का, अपने समाज का विकास कराना है तो वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड दैट हैज टू बी द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। नाउ I will share with you some experiences of mine because some of, during my career in the IAS, education was always my first love. So let me share this with you. Whatever it was, jo bhi postings hoti thi, to kai logon ko to aur postings pasand aati thi. To mujhko hamesha education department ki posting pasand aati thi. Though somehow or the other, in a within inverted commas, I would like to say, in our service, education is not considered to be so glamorous. You know. A posting in industry or a posting in industry infrastructure departments or economic affairs ministries or something like that is considered more glamorous than education, but somehow jitna santosh mujhe education mein kaam karke mila utna santosh mujhe kisi bhi aur vibhag mein kisi aur cheez mein kaam karke nahi mila. To ye main zarur share karna chahunga. Main it so happened that 3.5 saal I was secretary basic and adult education government of UP and more than 1.5 years I was principal secretary technical and vocational education to government of UP. तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैंने एजुकेशन की स्थिति को बहुत नजदीक से देखा। पांडे जी आपने जो बात रखी है अपने विश्वगुरु के उससे, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भी ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, या अपार संभावनाएं
एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी विच यू ब्रिंगिंग आउट हियर, इट इज अनलिमिटेड काइंड ऑफ यू नो पॉसिबिलिटीज विच आर हियर, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज नेशन उत्तर प्रदेश. आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी 220 मिलियन है, एंड आई नेवर यू नो फॉरगेट टू टेल पीपल कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट देश होता तो इसकी आबादी वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. So 220 million is the largest country in the world. You can imagine the kind of situation that we have to handle or the challenges that we face. So मैंने बहुत नजदीक से देखा, about especially आपने उस पर आपकी बात में लिखा है, आपके जो brochure है that you're focusing on education from age 3 to age 15. तो ये बहुत ही relevant period है. और age 3 वाला जो आपने बात कही वो मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा relevant है, because so far we have ignored the early childhood care education somehow or the other. जैसे हमारे इन आर यूपी सिस्टम आई नो दैट ओके अर्बन एरियाज एंड जो एलिट्स हैं उनके बच्चे तो जाते हैं, दे आर नर्सरी स्कूल्स एंड ऑल, दे आर देयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, दे आर प्ले स्कूल्स आर देयर वेयर दे गेट गुड एजुकेशन, बट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया और मेजॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज लिविंग इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में ऐसे कुछ स्कूल्स वगैरह नहीं उपलब्ध हैं. अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इनफैक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल द आंगनवाड़ी केंद्र. आंगनवाड़ी केंद्र जो है वहाँ पे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, उनके हाथ में होता है और उनके पास कई काम होते हैं. वो पंजीरी भी बनाती हैं, मिड डे मील भी बनाती हैं, वो और बाकी चीज़ें भी देखती हैं, और साथ साथ उनको कहा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी आप देख लीजिए, फॉर विच दे आर नॉट ट्रेंड, दे आर नॉट ट्रेंड इन एनी वे फॉर इम्पॉर्टिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एंड देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट एबल टू इम्पॉर्ट दैट इन एनी पॉसिबल वे टू दी चिल्ड्रन आउट देयर. आलोक जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है. पहले भी कई बार आपसे मुखातिब हो चुके हैं अन्य चैनलों पर. मैं कुछ जानना चाहूँगा आलोक जी, आप इस एक इवेंट में आए हैं, हमारे साथ यहाँ के दो फाउंडर्स भी बड़े यंग फाउंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये स्टार्टअप्स अचानक ये स्टार्टअप्स की दुनिया आ चली है, इसमें अचानक आपको एजुकेशन की तरफ जो एक नया जो एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कैसा लग रहा है, फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहा है? मैं तो उससे बहुत आशान्वित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ इस चेंज से, क्योंकि स्टार्टअप शुरू हुए तो स्टार्टअप से रोजगार मिलता है, स्टार्टअप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, ये अभी मैं समझता हूँ जब से ये हमारा पैंडेमिक आया उसके बाद से इस पर काफ़ी जोर दिया गया और कई कंपनियाँ इसी तरफ बढ़ी और अब बढ़ती जा रही हैं, जिसमें विश्वगुरु भी अपने आप में एक आया सामने आया है. और इनका सबसे अच्छी बात ये है, ये 3 से 15 साल के बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ कोई असली मस्तिष्क विकास होता है या वो बेहतर सीखता है बच्चा. तो मैं समझता हूँ ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जो एक स्टार्टअप्स का एक केंद्रित होना शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छी पहल है. आलोक जी, अब थोड़ा सा तीखा सवाल. बिल्कुल. तो क्योंकि आप मेरा पास्ट हिस्ट्री जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर तीखा नहीं लाऊं तो आलोक जी मज़ा नहीं आता, और स्पेशली आपके साथ. अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आलोक जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नई जो शिक्षा प्रणाली है, इज़ दिस सफिशिएंट, जिसको हम लोग होलिस्टिक एक एजुकेशन की तरफ बात कर रहे हैं, इज़ इट सफिशिएंट? एंड सेकेंड इज़ इट रियली प्रैग्मेटिक अप्रोच, क्या ये रियली प्रैक्टिकल है? अब देखिए, इसमें अभी ये जब ये इम्प्लीमेंट की जाएगी
तब मैं भी आपके पास से सहमत हूँ कि पॉलिसी एक बहुत अच्छी इंटेंशन उनके हैं, जो भी कस्तूरी रंगन साहब की कमेटी थी उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ कुछ चीज़ बनाई। अब वो कैसे लागू होती है और लागू करने में क्या चैलेंजेस सामने आते हैं उससे पता चलेगा कि किस हद तक इससे लाभ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। शिक्षा जैसे ऐसी चीज़ें बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसमें बदलाव लाना एक ही प्रोसेस है, क्योंकि आप मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा खाली सड़क बनाने जैसा नहीं है कि आपने पैसा खर्च किया सड़क के लिए सड़क बन के खड़ी हो गई। तो शिक्षा में तो एक्चुअली कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ फाइनल नहीं है, इस पर ये होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए कि अगर हम कोई हम चीज़ें फेस करें और NEP में अगर इस पर कोई बदलाव भी लाने हो तो भी लाने चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, बेहतर शिक्षा देने का, उसकी तरफ केंद्रित। अनुज जी आखिरी सवाल थोड़ा सा तीखा ये भी, वो ये है कि अभी एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़े स्कैम्स लेके हर जगह से, चाहे वेस्ट बंगाल ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, और आपने जैसे अभी खुद कहा कि प्राथमिक शिक्षक को जो है बहुत ज़्यादा उनकी जो जिस हिसाब से उनकी सैलरी होती है, कई जगह उनको एक सिंपल वर्ड लिखना नहीं आता, इंग्लिश का टीचर और इंग्लिश लिखना नहीं जानता, और इसके कई ठो कवरेजेस हम लोग कंटिन्यूसली TV पर और सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं। इस दौरान में आपको लगता है कि ये जो शिक्षा प्रणाली जो शुरू से इतनी ज़्यादा करप्शन में बनी हुई थी, क्या उसमें अचानक कोई बड़ी तब्दीली हम आशा कर पा रहे हैं? अगर ये सोच हो जाए प्रशासन की और शासन की कि इसमें बदलाव लाना है तो इसमें बदलाव बिल्कुल आ सकता है। ये मैं मानता हूँ आपकी बात सही है कि शिक्षा से जुड़े हुए कई स्कैम सामने आए, खासतौर से सिलेक्शन ऑफ टीचर्स को लेके बहुत चीज़ें इधर सामने आई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी सामने आता है कि कभी कभी शिक्षक जो हैं वो खुद ना पढ़ा के अपने एवज में किसी और को खड़ा करा देते हैं पढ़ाने के लिए, कई चीज़ें ऐसी सुनने को सामने आती हैं, टीचर एब्सेंटिज्म की बात भी आती है। लेकिन अगर टीचर्स को भी मैं समझता हूँ फैकल्टी डेवलपमेंट किया जाए, ट्रेनिंग सही दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए सही तरीके से, उनकी सर्विस कंडीशंस को भी सही तरीके से देखा जाए, तो वो भी बेहतर जो है पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ अगर शासन ये समझ ले कि हमारा ये सबसे हमारी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो शिक्षा है और इसको हमें जोर देना है, और शासन जिस पे जोर देता है, मेरा अपना ये अनुभव रहा है 38 साल का, वो चीज़ हो जाती है, तो वो बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। और जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि आलोक जी से जब भी तीखे सवाल पूछे गए उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती और उन्होंने सीधे सीधे इन सवालों को उत्तर दिया, आज भी वो उसी तरीके से बेबाक नजर आए। और आशा करता हूँ आलोक जी आपकी इसी तरीके से जो है आपके शब्द हम तक पहुँचते रहेंगे और आप हमें इसी तरीके से प्रेरित करते रहेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद। Children are very, very much aware, enlightened, what I want to do, how much money I want to make, and therefore education. So education is more of a facilitator than of a knowledge giver nowadays. So that is the first thing. And due to which the challenge now is every academic program now has to showcase the transformation of the child into his profession or career or something, to convince him to join that particular stream. And that is the most of engineering and maybe MBBS. Then came a big era for hotel management, then came COVID. So that hotel management era ended. Now it is of liberal arts and sciences. So, and the latest is the confluence or the fusion that I can take two from here, one from arts, one from this. Organization. And we realized that pre-school education, as Dinesh Chalukranjan also mentioned, this is the time when much of your mental capacities are fully developed. And this is an area where we are actually not focusing on. Technology is obviously an idea which can bring about significant transition there. So I think that is one major area that you need to focus on. Other thing is my experience and I think experience of many people sitting on this dais and in front of us is that skill development is an example. I think we committed a major mistake here, and the mistake was we created a separate platform
And that separate platform is that much of your student is actually going to the formal education process which exists, which means schools, colleges, and beyond. And when I say beyond, it means all the universities, etc., large number of colleges across the country. Now, this is what we need to focus on. Unfortunately, we try to create a separate platform for that. And when you are trying to create a separate platform for that, you are missing the great opportunity which already exists. Unless and until we start focusing on those students which are already coming into the formal education system, that is where skill development has to be taken. What I will, again, taking this lead from here, what I want to suggest to the founders and the owners of this group. Saurabh ji, pehle to bahut bahut dhanyawad, aapne mujhe is manch par aamantrit kiya aur sabke samne apni baat rakhne ka avsar aap mujhe de rahe hain. Aur isi ke sath आयोजन के साथ साथ मैं उन दो एंटरप्रेन्योर्स, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस दैट यू आर टेकिंग अ ह्यूज स्टेप. देखिए, एजुकेशन में अगर हम कुछ भी नया बदलाव लाते हैं, कुछ एक नया चीज करने की एक प्रयत्न करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है. अपने आप में दिस इज अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट एजुकेशन. व्हेन आई से कंप्लीट एजुकेशन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, पहले तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ये लिटरेसी और एजुकेशन में हमें थोड़ा सा अंतर करना चाहिए. मैं बार बार कहता हूँ, मेरा एक मैं शो करता हूँ करियर का उज्ज्वल शुभांकर, और कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है, उसमें हम लोग ये समझाएं कि हाउ लिटरेसी इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन. लिटरेट हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे मॉन्यूमेंट्स की दीवारों को साफ रखने के लिए उसमें लिखना पड़ता है कि कृपया यहां न थूके. हमें बताया जाता है, एक अभियान चलाया जाता है स्वच्छता के लिए, उसके लिए भी एक अभियान चाहिए, तब हम स्वच्छ रहेंगे. तो दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज एनीथिंग बट नॉट एजुकेशन. आई डोंट अग्री टू इट एट ऑल. एजुकेशन को बहुत ज्यादा डेवलप करना है. मैं अभी आलोक जी से बात कर रहा था, मैं जिन चैनलों में आता हूँ, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे News24 हो, मैं अपनी बात कोशिश करता हूँ बेबाकी के से रखूँ, और उसी तरीके से मैं यहाँ भी रखूंगा. तो मैं माफी चाहूंगा जिनको इस बात पर बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि हमें समझना पड़ेगा. अगर आप चैलेंजेस वाकई जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा बाहर झांकिए. एक फार्मेसी की दुकान में आराम से आसानी से कॉन्डम्स मिलते हैं, लेकिन आज भी हम खुल के कॉन्डम बोलने से कतराते हैं, शर्म आती है. हम अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, पैनल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों से डिस्कस करने से कतराएंगे. दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज एजुकेशन इज नॉट हैपनिंग. हम लोग कहीं ना कहीं गैप रख रहे हैं. लिटरेसी हम चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं. सौरभ जी, बहुत अहम चीज है, हम लोग एनईपी की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन जहां मौलिक विचारों की बात आती है, वहां हमें समझना पड़ेगा एजुकेशन एक्चुअली जरूरत कहां है. क्या सैनिटरी पैड का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक मूवी का बनना आवश्यक था? क्या ये हम लोग को एक मूवमेंट के तहत हमें गवर्नमेंट बताएगी कृपया शौचालय बनाएं और उसका प्रयोग करें? तो अगर जब तक हम वो समाज नहीं चाहेंगे, मैं कैसा समाज चाहूं? सबसे पहली बात है कि अगर आप कहें कि हम अपने उसमें से हम आगे समाज में शिक्षा कैसा चाहते, मैं अपने बच्चे को कौन सा शिक्षा देना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये भी सोचना चाहूंगा ऐसा कौन सा समाज देना चाहता हूं. मैं एक ऐसा समाज देना चाहूंगा जहां अगर रेड लाइट जले तो बच्चा खुद ब खुद खुद से रुक जाए, उसको किसी पुलिसमैन को रोकने की जरूरत ना पड़े, उसे बताने की आवश्यकता ना पड़े कि हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है. इन चीजों को सोचना ज्यादा जरूरी है. इस पर गंभीरता से थोड़ी हम लोग की सोच विचार करना आवश्यक है कि आखिर मॉरल साइंस को क्लास 6-7 के बाद क्यों हटा दिया जाता है. उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो जो धीमे धीमे आप देख रहे हैं, जहां पे कहते हैं हम लोग करप्शन, बात यह कि करप्शन को रोकने के लिए एनफोर्समेंट क्यों? क्या सिर्फ ईडी और सीबीआई की वजह से करप्शन रुकना चाहिए? तो पूछना चाहिए हम लोग को खुद अपने आप से. जब हम एक एजुकेशन एक सिस्टम देते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि उस सिस्टम को हम तैयार कैसे कर रहे हैं? एक बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसमें था अप्रोचेबल एजुकेशन, जो इजीली रीचेबल हो. लेकिन है, अगर है तो मैं जानना चाहूंगा आकाश और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं बायजूस, ये लोग गांव में अपने सेंटर्स क्यों नहीं खोलते? अगर वाकई ये लोग चाहते हैं कि एजुकेशन में कुछ बदलाव के लिए लोग आए, ये बदलाव के लिए नहीं आए, हम लोग बदलाव के लिए नहीं बैठे साहब,
लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं यहां, हर चीज जो हो रहा है उसको एज अ हम लोग अगर बिजनेस, सो पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो फुल स्टॉप लगाना सीखे प्रॉफिटेबिलिटी पे, और समझ सके कि उस जगह पे हम कहां पे कुछ ना कुछ बदलाव दे सके। अगर हम बार बार ये कहें कि भाई समाज में बदलाव आना चाहिए, कौन लाएगा भाई, कौन करेगा? आपने कहा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, करिए ना टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और बताइए उस गांव वाले को कि वाकई शौचालय को इस्तेमाल करने से उनके लाभ क्या है। इसके बगैर एक कंप्लीट एजुकेशन पॉलिटी विल रिमेन अ फार ऑफ ड्रीम, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ट्रुथ। Very interesting point, Mr. Shivakar. I think we'll come back to that line of literacy versus education. I think it has a wider scope of a deeper discussion. Exactly. We'll come back to that. Ms. Emil, do the challenges change? Do they differ in any manner in terms of how intense they are the challenges completely different or similar? What are your thoughts on this? Wow, that's a lovely question. So, thank you Avinash ji, Mukesh ji, Saurav ji and everyone here for this wonderful program put together. मुझे एक चीज़ का बहुत proud feeling होता है कि मुझे God ने वो opportunities दी इस country में, not just in this country but US, UK में भी, कि मैं early childhood से लेके मैंने corporate training तक, जैसे अभी recently मैंने EY, DBS, इसके पहले टाटा कैपिटा, हर टाइप के डोमेन में मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी की है और अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल प्ले स्कूल्स में भी ट्रेनिंग की है। सो मेरे अंदर जो मतलब अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ इट, प्लस ऑर्फनेजेस में मैंने यू नो उधर भी पढ़ाया है, प्लस प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज में भी ट्रेनिंग दी है, सो और टीचर ट्रेनिंग भी दिल्ली में किया है। तो मुझे एक चीज़ जो समझ आया है कि वेदर इट्स कॉर्पोरेट, वेदर इट इज अर्ली चाइल्डहुड या कोई भी स्टेज पे, प्रॉब्लम एक सबको जो आता है वो ये है कि आपको डीप जनरलिस्ट बनना है या स्पेशलिस्ट बनना है। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो विश्व ग्रुप जो एड्रेस करना चाह रहा है, आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट, और एनईपी के थ्रू और जितने अभी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज जो इस तरफ पुश कर रही है, इट्स एक्चुअली गुड। क्यों? क्योंकि अगर एक एज तक अगर बच्चे को हर टाइप का अगर एक्सपोजर मिलता है तो ही और शी इज इन अ बेटर पोजिशन टू मेक अ बेटर चॉइस। अब वो चॉइस स्पेशलाइजेशन की तरफ भी हो सकता है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट बन के गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो कहीं पे भी काम कर सकते हो, जनरलिस्ट बन के आप एक डीप जनरलिस्ट बन के एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। और मुझे जहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स हैं इतना अच्छा उन्होंने जो कहा, एक कॉमन इंसाइट जो सबके सोच में दिखी वो ये है कि प्रॉब्लम है वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द टीचर। हम लोग कहीं ना कहीं टीचर हैं दुनिया में, फैमिलीज को सबको ही सस्टेन करना है, सो इट्स बेस्ट कि आप ये आउटराइट बोलो कि हाँ बिजनेस करेंगे, बट बिजनेस के अंदर डिफरेंशियल प्राइसिंग मॉडल आना चाहिए। जब आप टाउन्स में वर्क कर रहे हो तो आपको उसके इकोसिस्टम के हिसाब से उस मॉडल को उस तरह से ब्रांड करना है, देना वही चीज़ है। लेकिन आप अगर आपको सच में बिजनेस एक्यूमन है तो आपको ये आएगा कि मुझे टाउन में भी बेस्ट क्वालिटी देना है वही ब्रांड के अंदर, बट डिफरेंशियल प्राइसिंग और अलग तरीके से उसी चीज़ को पैकेज करना है। क्यों नहीं? हमारे कंट्री में प्रॉब्लम कहाँ आती है जो हम लोग सिर्फ एक ट्रॉमा लेके बैठ जाते हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज होते हैं वो बोलते हैं अभी ये लोग खराब है, गवर्नमेंट खराब है, कॉर्पोरेट खराब है, जो ऊपर होता है बोलता है अरे इसको एक्सप्लॉइट करो क्योंकि ये लोग, सबके अंदर ट्रॉमा है। तो इससे अच्छा है कि जो जहाँ पे है आदमी बोलेगा अरे औरत ये। माई पॉइंट इज कि अगर यस आई अग्री एज अ वुमन कि आज अगर आदमी इतने वर्किंग वुमेन का कितना बहुत पुराना टाइम से कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी रीसेंट ट्रेंड, तो चांसेस आ कि हम औरतों को ये सब चीजें में नॉलेज थोड़ा कम होगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप योर ईगो से ठीक है खुद से लोगों को उस चीज को डेमोंस्ट्रेट करें। जैसे आपने बताया कि रामायण में कहीं ये नहीं लिखा है कि राम बनिए, लेकिन उनके आचार, उनके विचार, उनके बिहेवियर में ये डेमोंस्ट्रेट किया गया है कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो जो वैल्यू एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं और विश्व गुरु ने काफ़ी उस पर फोकस करके उसको इंटीग्रेट, बड़ा रीज़न है कि जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे कि क्योंकि चैलेंज क्वालिटी एजुकेशन है वो अभी एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे वो शायद अफोर्डेबल नहीं है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, क्या अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन हुआ, वैल्यू एजुकेशन हुआ, या धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैरियर बन जाएगा, कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की पढ़ाई को लेकर उसके करियर डेवलपमेंट को लेकर, बट टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से और जिस आसानी से एंगेजिंग तरीके से एजुकेशन को एक रिमोटेस्ट एरिया तक ले जा सकता है, कहीं ना कहीं उसका सोसाइटी के प्रोग्रेस
करने पे, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे, और जो हमें विश्वगुरु बनने का जो एक हमारा एक वो है, ऑलवेज वांट टू बी द बिगेस्ट सुपर पावर, वो भी कहीं ना कहीं इसका ये बेबी स्टेप हो सकता है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। सौरभ जी बिल्कुल सही बात है, जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कि नेचुरली इट्स ऑल अबाउट द स्प्रेड। ये स्प्रेड संभव नहीं है, ये प्रचार संभव नहीं है, मान सकता हूँ, लेकिन वहीं पे यहाँ पे प्रोफेसर इकोनॉमिक्स बैठे हुए हैं, अरविंद मोहन जी यहाँ पे हैं, वो इस बात से जानेंगे। हम लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर कितना करना है, ये एक बात है। हमारी आधी स्मार्टनेस जो है वो ऑलरेडी हमारे फोन और टीवी ले चुकी है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके स्मार्ट बनना चाहते हैं या अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं अपने स्मार्टनेस के लिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। हर चीज आप सीख सकते हैं, हर चीज गूगल में तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब वहां पर उपलब्ध है, लेकिन क्या उसका मतलब ये हो सकता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस धीमे धीमे खत्म हो जाए? बच्चा तो कहेगा ये तो मैं ढूंढ लूंगा। आज के दिन में आप बम बनाने के फॉर्मूला से लेके अगर आपको खांसी की दवाई या कोई गंभीर बीमारी की समस्या का भी समाधान पूछना है, आप गूगल में पूछिए, सारे समाधान आपके पास है। पहले जनाब ये सब चीजें ना ट्रेन में हुआ करती थी, मुझे याद है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग जनरल में सफर किए हैं, मैं उनमें से हूँ जिनको जनरल की भी यात्रा करने का मौका मिला है। तो उसमें क्या होता था, आप छींक दीजिए, खांस दीजिए और आस पड़ोस के जितने होते थे शुरू हो जाता, भैया ये ले लियो, अरे मुलेठी थोड़ा सा किनारे रख लियो, होता था नहीं होता था। तो ये एक चीज है जो मतलब एडवाइजर्स ये आती रहती थी और आज भी आती है। एडवाइजरी कहाँ से आती है, हम कहाँ से लेते हैं, चाहे वो फोन से हो चाहे किसी भी माध्यम से हो। अब एक चीज है, हमें और आपकी चीज समझनी पड़ेगी, जैसे आपने विश्वगुरु एजुकेशनल एकेडमी एक इधर से बात की, मेरे ख्याल से आप लोग एक क्रांति ला सकते हैं। मैं बहुत एक्चुअली जानते हैं, मैं बायजूस के साथ भी बहुत जुड़ा रहा, बायजूस से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें फिर मैं बाद में देखता हूँ भूलती चली जाती। मैं एक सजेशन दूंगा, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शायद। मैं हमेशा कहता हूँ, आप देखते होंगे कि नीट जेई की प्रिपरेशन होती है, राइट, आपने देखा होगा उसमें बच्चे कई साल तक प्रिपेयर करते चले जाते हैं, year on year they're continuously trying for that and eventually in case they fail, you know, they can't get through, what happens, they get depression, finally they end up doing a simple graduation in their life, that's all, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिप्रेशन है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जिस बच्चे ने 3 साल तक नीट की तैयारी की वो अपने आप में अच्छा खासा तैयार होता है, बच्चों को गाइड करने के लिए जो नीट की प्रिपेयर करो, 10th के बच्चों को तो पढ़ा ही सकता है। फिर ये क्यों होता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक ग्रुप ऑफ मेंटर्स तैयार कर दे? नहीं हो सकता। ये बच्चे जो हैं, जो ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं फॉर दोस 2% और 3% सीट्स, 2% 3% बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो क्या कहते हैं 97% को आप बिल्कुल उसको राइट ऑफ कर देंगे, वहां पे काम आ सकता है आपका विश्व गुरु, इस तरीके से विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु के लिए आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको सबको एक